आज अपन देने वाले हैं यस बी क्लर्क प्री की टेस्ट ये प्रैक्टिस मक की टेस्ट रहेंगे दोस्तों चलो स्टार्ट करते यस बी क्लर्क प्री ये रहा यस बी क्लर्क और फ्री मक देंगे अपन इसमें की जो सबके लिए फ्री होती है लोडिंग लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में देते स्टार्ट पहला क्वेश्चन एरर और नो no एरर का क्वेश्चन है ये आसानी से एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो एक मार के रहते हैं ना सिंगल सिंगल ये पहले आटिम करने चाहिए इसके अंदर तो जैसे स्टार्ट करते फॉर मच द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड चाइना सीम टू हैव बिकम अ एक्सटर्नल थ्रेट दैट मस्ट बी विरोपोज वीरो अपोज होने चाहिए अपोजिट होना चाहिए बी बी है ना मस्ट बी मतलब ये पूरा सेंटेंस हैव हैव दिया ना तो अपोजिट चाहिए यहाँ पे क्योंकि हैव दे है ना ये पास्ट है ये इसमें चाह हुआ है पास्ट टेन में दे हुआ है ना ये अपने को अपोजिट चाहिए यहाँ पे क्योंकि बिकम इन थ्रेट थ्रेड दैट मस्ट बी वेगोसली ऑफ द अपोज अपोज होना चाहिए यहाँ पे अपोज इसलिए ई e ऑप्शन होना हो चाहिए डी ऑप्शन होना चाहिए डी चाइना एंड द यू एस मे सी देव एज कम्पिटिशन फॉर वर्ल्ड लीडरशिप बट देम आर देम आर यहाँ पर गलत लग रहा है मेरे को पढ़ते टाइम पर आगे देखते पढ़ के देम आर स्टिल मोर क्लोजली इकोनॉमिकली इंटरेस्टेड इंटीग्रेटेड दैन द यू एस और यू डब्ल्यू एस आर वेयर इन नाइनटीन एटीन वेयर नाइनटीन एटीन ये ठीक तो लग रहा है पर यहाँ पर पढ़ते टाइम पर थोड़ा गलत लग रहा है दोस्तों मेरे को सी ऑप्शन में चाइना एंड यूएस मे में सी दिसेल्फ एज कॉम्पिटिशन फॉर वर्ल्ड लीडरशिप बट डेम बट देन बट दे बट दे होना क्या है बट डेम होना बट देम नहीं होना बट दे होना चाहिए थे यहाँ पे दोस्तों बट दे दे आर दे आर ये एकदम परफेक्ट लग रहा है सी ऑप्शन एथलेटिक्स एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट ऑफिशियल्स हैव बीन वार नेट नॉट टू बी स्पीक आउट और दे कुल्ड बी पनिश्ड अंडर चाइनीज लॉ चाइनीज कुछ भी नहीं एरर नहीं लग रहा मेरे को दोस्तों इसके अंदर क्योंकि पढ़ते टाइम पे एकदम इजीली पढ़ते जा रहा ना इसलिए कोई एरर नहीं लग रहा है इसके अंदर पब्लिक लीडर्स इन बिगनिंग इन बिंग कन्वर्टेड टू प्राइवेट होल्डिंग्स इन अ लैंड ग्रैफ्स बीन स्टडिंग फॉर द पास्ट डिकेड स्टडिंग फॉर द पास्ट डिकेड पब्लिक लैंड्स पब्लिक लैंड्स ये देखो पहले देखे है, public lands. से यहाँ पे देखेगा पब्लिक लैंड्स जो लैंड है ना ये प्लूल है तो इसलिए इज इस नहीं आएगा यहाँ पे दोस्तों इज नहीं आएगा आर आएगा आर आर ब्राजील्स मॉडर्न लैंड ग्रैब स्टार्टेड इन द नाइनटीन सेवेंटीज वे द मिलिट्री गवर्नमेंट बिगन द ऑफरिंग फ्री लैंड टू इनकरेज माइनिंग इंडस्ट्री एंड फार्मर्स टू मूव इन मूव इन ये दिख रहा है लैंड लैंड टू टू हाँ हाँ बिगन ऑफरिंग फ्री लैंड टू टू के आगे कोई भी आएगा ना तो वर्ब आएगा वर्ब वर्ब टू प्लस वर्ब रहेगा तो इसलिए टू इनकरेज नहीं होगा इनकरेज होंगे इनकरेज टू इनकरेज उनको इनकरेज करना है फ्री लैंड टू इनकरेज इनकरेजड नहीं होगा इसलिए सीओम ऑप्शन इसका ये रहा पैरा जंबल जंबल पैरा है इसको सॉल्व करते अपन ये भी इजी रहता है थोड़ा इतना हार्ड नहीं यजबैक लर के ना तो इतना हार्ड नहीं पूछेंगे फॉर एग्जाम्पल इन पोलैंड द टीचिंग फॉर ऑफ हिस्ट्री इंक्रीजिंग सेंटर अराउंड मिलिट्री इवेंट्स फॉर एग्जाम्पल मतलब कुछ ना कुछ इसके आगे दिया होगा इसलिए इसने इसके अंदर कंक्लूजन भी दिया है मतलब पी तो फर्स्ट नहीं आ सकता डब्ल्यू डब्ल्यू टी ट्रीटमेंट क्लोथिंग एंड एसेसरीज आर ग्रोविंग पॉपुलर and families can be seen attending military themed them the picnic featuring short shooting range and weapon display the visibility of military informs in the public sphere has grown too ग्रोन टू ये लग रहा है मेरे को पहले पहले नहीं आएगा ये भी शायद क्योंकि विजिबिलिटी मिलिट्री इनफॉम टू इन द पब्लिक स्पेयर गैस ग्रोन ये भी नहीं लग रहा है धिस धिस मतलब कुछ ना कुछ बोला होगा इसलिए धिस वापरा यस कभी भी नहीं आएगा पहले नॉर्मेलाइजेशन नॉर्मेलाइजेशन ऑफ द पैरामिलिट्री सेक्टर गोज हैंड हैंड इंड हैंड विथ अ डिफ्यूजन डिफ्यूजन ऑफ मिलिट्री वैल्यू एंड प्रैक्टिस ऑफ द एवरीडे लाइफ हाँ इसके बारे में इसके बारे में कोई मतलब कंक्लूजन नहीं कुछ नहीं ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस ये है और आपने को इसके अंदर पेयर बनाना है फर्स्ट सेंटेंस तो आपने को दिख गया पर पेयर बनाना है मतलब जैसा मैंने पढ़ते पढ़ते एक पेयर बनाया था क्यू जो क्यू है ना जो क्यू है ना क्यू के बाद में आना चाहिए ये मैंने पेयर बनाया था क्यू के बाद में आ जाना चाहिए कैसे डब्ल्यू डब्ल्यू टू ट्रीट क्लोथिंग एंड एसेसरी ग्रोविंग पॉपुलशन टू फंड फैमिली कैन बी सीन अटेंडिंग मिलिट्री देम पिकनिक फीचरिंग शूटिंग रेंज एंड वेपन डिस्प्ले जो डिस्प्ले क्लियर है ना मिलिट्री उसका कुछ न कुछ कंक्लूजन इसके अंदर दे हुआ है जैसे आर्मी क्या देवा है द विजिबिलिटी ऑफ मिलिट्री यूनिफॉर्म ये इसके अंदर मिलिट्री का कुछ ना कुछ बोला हुआ है क्यू में इसलिए आर्मी वही चीज़ बोला हुआ है द विजिबिलिटी ऑफ मिलिट्री यूनिफॉर्म इन द पब्लिक स्पेयर हैज़ ग्रोन टू क्यू के बाद में आर आना चाहिए ये एक पेयर होगा अपना क्यू के बाद में आर और टी फर्स्ट आ गया टी फर्स्ट क्यू के बाद में आर आना चाहिए और दिस हैज़ मोटिवेटेड पीपल टू साइन सिंग अप फॉर वीकेंड ट्रेनिंग सेशन विथ वॉलेंटरी पैरामिलिट्री ग्रुप्स पैरामिलिट्री ग्रुप्स इसके अंदर दिस मोटिवेटेड मतलब इससे मोटिवेटेड मित है कुछ ना कुछ यस और यस आर के बाद में यस हाँ आर के बाद में यार पढ़ के देखते बाद में यस पढ़ के देखते यहाँ द विजिबिलिटी ऑफ मिलिट्री इनफॉर्म इन द पब्लिक स्पेयर हैज़ गोन टू दिस मोटिवेटेड पीपल साइन अप फॉर वीकेंड ट्रेनिंग सेशन विथ वॉल्टरी पैरामिलिट्री ग्रुप्स एकदम सही लग रहा है ये दोस्तों क्यू आर यस क्यू आर एस और यस लास्ट में है क्योंकि इसके आगे सेंटेनस से बढ़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इनने मिलिट्री ग्रुप्स बोला है ये एकदम सेंटेंस हेल्थ से ख़त्म हो जाता है टी फर्स्ट में क्यू आर एस लास्ट में जो बचा हुआ है ना ये पी फॉर एग्जाम्पल ये पी का एग्जाम्पल बोल रहा है जैसा देखो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मिलिट्री सेक्टर हैज़ ग्रोन हैंड इन डिफ्यूजन मिलिट्री वैलेंट्री प्रैक्टिस ऑफ द एवरी डे लाइफ फॉर एग्जाम्पल पोलैंड की और इससे जो इसका है ना एग्जाम्पल इसने पी में बोला है फॉर एग्जाम्पल इन पोलैंड द टीचिंग ऑफ द हिस्ट्री इंक्रीजिंगली सेंटर अराउंड द मिलिट्री इवेंट ऑल इवेंट होना चाहिए मतलब टी के बाद में पी पी के बाद क्यू क्यू के बाद आर आर के बाद यस ये अपना सही सिक्वेंस है दोस्तों आप देखिए देखते इसके अंदर पूरा अपने टी पी क्यू आर यस लगाया है फर्स्ट सेंटेंस टी है सेकंड सेंटेंस पी है थर्ड सेंटेंस क्यू है फर्स्ट सेंटेंस टी फिफ्थ सेंटेंस यस और ये कह दिया है इन द क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विथ फॉरवर्ड हाईलाइट ऑन द रॉन्गली स्पेल और इन इनप्रोप्रिएट मतलब ये रॉन्गली भी हो सकता है इसके अंदर सेंटेंस ये या इसको ग्रामेटिकली इर भी हो सकता है दो हजार सत्रह टू थाउजेंड सेवेंटीन चेंज इन द लॉ एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्टेड टू द लीगली अलाउड साइज ऑफ द प्रीवेव प्राइवेट होल्डिंग इन द अंडर अंडर पब्लिक लैंड एंड द रूरल सेटलमेंट्स रूरल सेटलमेंट्स तो बरबर लग रहा है चेंज ये भी सही है अलाउड ये भी बराबर है एक्सट्रैक्टेड ये भी बराबर है इसमें तो सभी बराबर लग रहा है मेरे को एक्सट्रैक्टेड चेंज सब बरबर लग रहा है दोस्तों में किसके अंदर कोई गलती नहीं लग रहा चेंज इन द लॉ एक्सट्रेक्टेड इन द लीगली अलाउड साइज ऑफ द प्राइवेट होल्डिंग ये ऑल करेक्ट करता हूँ मैं बिकॉज ऑफ द पॉलिसी इन्वेंशंस इन्वेंशंस एंड पॉलिसी 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 इंटरवेंशन हुई है पॉलिसी इन्वेंशन एंड द ग्रीनिंग एंड एग्रीकल्चर सप्लाई चेन डिफोरेस्टेशन इन द ब्राज़ील एमेजोन डिक्लाइन आफ्टर टू थाउजेंड फाइव रीचिंग अ लॉ पॉइंट थाउजेंड ट्वेल्व ये पहला ही गलत लग रहा है बिकॉज ऑफ द पॉलिसी इन्वेंशन इन्वेंशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर इंटरवेंशन चाहिए इंटरवेंशन या कुछ पर यह इंटरवें इन्वेंशन गलत है दोस्तों कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गलत लग रहा है मेरे को पहले फर्स्ट मारता हूँ मैं गलत अदर कंट्री हैव other country have added brazil with a billion of dollars to project the amazon for the good the good of the climate but end of the land prologue of the brazil belong uh, prolong protected prolong prolong belong a land belong to the brazil लॉन्ग प्रोलोंग टू द ब्राजील अदर कंट्री हैव एड ब्राजील विथ बिलियन बिलियन ऑफ डॉलर टू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करता है द एमेज फॉर द गुड ए क्लाइमेट ऑफ द बट एंड द लैंड बिलोंग टू ब्राज़ील हाँ ये होना चाहिए बिलोंग होना चाहिए प्रोलोंग्स गलाट ए द्रोंग सैमसंग प्राइमरी बिजनेस इज मेमरी चीप विद विथ इज अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द मार्केट टू इंटेल्स माइक्रोप्रोसेसर इट इज सिंग्स सैन ऑफ द इंटेल डिक्लाइन ये पूरा करेक्ट लग रहा है मेकू थॉट सैमसंग प्राइमरी बिजनेस इज अ मेमरी चिप्स विथ अ डिफरंट सेगमेंट ऑफ द मार्केट टू इंटेल्स माइक्रोप्रोसेसर इट इज सिंग्स टू इंटेल डिक्लाइन सब बरबर है दोस्तों तुम्हारे को भी ऐसी टेस्ट से होना है दोस्तों मतलब तुम्हारे को भी कोई दिक्कतें आती होंगी पढ़ने में तो उसको डबल पढ़ना है जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं डबल पढ़ता हूँ इंग्लिश को ऐसा मतलब एक लैंग्वेज है लैंग्वेज का सरिका लो आप मतलब सब बोलते हैं कि बहुत इंग्लिश बहुत हार्ड आती है इंग्लिश बहुत टफ आती है मेरी भी इंग्लिश इतनी वीक थी पहले दोस्तों पर मैं लोगों का बोलना छोड़ दिया मतलब लोगों को सुनना छोड़ दिया तो मेरा अब इंग्लिश में अच्छा स्कोर आना लग गया बीस बाईस पच्चीस के आसपास मेरे को स्कोर आता है दोस्तों पहले मेरा स्कोर सात आठ इस के बीच में लाया करता था पहले मेरे को इंग्लिश एकदम ठीक तरीके से रीडिंग करती नहीं आती थी और आपको जो बोलता है ना रीडिंग द हिंदू करना चाहिए टाइम्स ऑफ इंडिया करना चाहिए ये करना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों तुम्हारा जो पट्टा है समझो अपने एकदम मैगजीन ली और मैगजीन में का कोई पेज लेते हैं अपन और अपने को उसके अंदर इंटरेस्ट आता है पढ़ने में तो वो पढ़ना चाहिए ना कि आपने को द हिंदू में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए ना तो अपने को द वो टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए हाँ वो आता है मेंस में आता है पर पीर प्री में इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा एकदम इजी इजी पूछेगा पर आपने को जो जमता है ना वो करो ना कि अपने को द हिंदू लेके बैठ गए और उसमें सिर्फ अपने को दो या तीन या चार पहले पहले तो दो चार क्वेश्चन यही आते हैं अपने को वर्ड बाकी के जो बाकी है ना अपने को लिखना पड़ते इसका डिक्शनरी में वर्ड देखो इसका डिक्शनरी में वर्ड देखो ऐसा होता है अपने। मेरे साथ में भी ऐसा बहुत होता था पर मैं ज़्यादातर मैगजीन यूज़ करा उसके बाद में मेरी इंग्लिश इम्प्रूव होती गई और आज मेरे को अच्छे मार्क पड़ते चलो टाइम भी थोड़ा कम रहा चलो जितने टाइम होते बन ये बोलना ज़रूरी था ऑल आ करेक्ट इंटेल यूज इंटेल यूज टू बी दंडरस अंडर अंडर प्लूटेड

अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड ये पढ़ते रहने पे यहाँ पे गलती लग रही थी मेरे को करके मैं वहाँ पर गुदगा था दोस्तों इंटर यूज टू बी अंडस्ट्रिपेट किंग ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर पी सी वेयर मेड बाय मेनी कंपनीज बट दिस वेयर इफेक्टिवली जस्ट ब्रांड नेम सिंस द पावर्स ऑफ द मचीन मचीन्स डिपेंड ऑन वेयर दे हैड एन इंटेल साइड यही लग रहा मेरे को पहला गलत और ये क्या है ये पैराग्राफ है ये बाद में देखते हैं इसमें से क्या हाँ क्वेश है एक डेरिज दो और ये फिलिंग द ब्लैंक्स है इंटेल वन टीम अप्रोच डैश इट टू पुल फर्दर एंड फर्दर वे फ्रॉम द कंपटीशन विथ प्रोसेस दैट वे द मोस्ट पावरफुल तो पहला फर्स्ट पहला देखते इसके अंदर डाल के पहला इनेबल्ड बरबर होता है एकदम ये एपीज़ एपीज नहीं होगा अर्ज नहीं होगा व इंटर नहीं हो जा कैंसिलेट नहीं होगा ये नहीं बैठेंगे ये दो तीन वर्ड तो नहीं बैठेंगे पे एपीज नहीं ये भी ये भी नहीं बैठेंगे अनेबल्ड ये बैठेंगे सकता है इन वन ऑफ द अप्रोच ये हो सकता है वाइल द डेप्थ पेनल्टी हैज़ रिमाइंड पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम एंड ओकेशनली यूज बाय जस्ट म्यांमार हैज़ फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ मोस्ट पार्ट मोस्ट पार्ट एबोलिश इट एबोलिश करना है उसको ख़त्म करना है मोस्ट पार्ट ऑफ द एबोलिश एवोर्ड जो नहीं होता है एनेडिप्ट एबोलिश तो हो सकता है और एडोर्न एडोर्न थोड़ी थोड़ी इसको एडोर्न थोड़ी करना है एबुलिश करना है abolish करना, उसको खत्म करना है यही इसके अंदर एक बस्ता है चौबीस चौबीस चलो आगे बढ़ते हैं वाइल द गैलोज है यूज फॉर द डिडिकेटेड डेट्स दे डैश एक्सट्रीम फेयर एंड हॉरो विथ इन म्यांमार डिडूस नहीं होता डिडक्ट एक्सट्रीम डिडक्ट एक्सट्रीम नहीं हो सकता approve, approve extreme हो सकता ही है रिस्पेक्टेड रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट

Quarter of the world population, South Asia, eight countries represent board of the septum legal and political term regime and the medical regulator and uh, ideological position in the free speech. Huh? Having the overcome their initiatives suspicious uh, toward the lonely and power the digital media. Digital media. डिजिटल मीडिया के बारे में कुछ ना कुछ होगा इधर होप एंड द ऑप्टिमिज ऑफ द और इधर इसके अंदर पॉपुलेशन एशियास ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बोला है इसके अंदर डिजिटल के बारे में बोला है होप एंड ऑप्टीमिज सोशल ऑफ द चेंज एंड द प्रोलॉग ऑन द कॉन्सोन ऑफ द डिस्प्लेस ऑफ द एंगर अराउंड होस्ट ऑफ द सोशल पोलिटिक्स एंड इशू इशू के बारे में कोई बोला नहीं इसके अंदर विच ऑफ द ट्रांजेक्शन इन टू वेरी एडिटूड ट इमेज मीडिया टेक्नोलॉजी एंड इंटेल इंटर ये भी नहीं बोला दिस स्टैंड हैव शिफ्टेड ग्रेजुअली टूवर्ड डिजिटलाइजेशन मैंने क्या बोला था इसके अंदर डिजिटल मीडिया के बारे में कुछ ना कुछ बोला होगा तो इसके अंदर क्या हो यहाँ में दिस सेटल हैव शिफ्टेड ग्रेजुअली टोवर्ड डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन मतलब बी से यफ जुड़ता है बी से यब बी से यफ़ ये एकच ऑप्शन है दोस्तों इसके अंदर ब्रिटेन हैज़ हैड अ लॉन्ग स्ट्रंग लॉन्ग स्ट्रगल विथ करप्शन एंड द मेजर पुट ऑफ द प्लेस scrub इट और इसके अंदर ब्रिटिश के बारे में स्क्रब स्ट्रगल के बारे में बोला मैं और इट टू का सेवर हंड्रेड ईयर ब्रिटेन मोर अवे फ्रॉम द सोशल ऑफरिंग फ्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसके अंदर ब्रिटिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल के बारे में बोले हुआ है द लिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पब्लिक ऑफ टेन ग्रेजुअली देअर पोर्ट्स ऑफ द प्रॉपर्टी विच ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बोला ही नहीं तो अपन कहाँ से बोल सकते दी इज अ पर्सनली प्रॉफिट ये नहीं हो सकता द डिस्ट्रिक्शन बिटवीन देयर ओन मनी एंड दे पब्लिक मनी ये भी नहीं बोला है इसके अंदर कहीं वेयर वेयर वेरी ओन है प्रोटेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम ये भी नहीं बोला सी पढ़ते आप हाँ इट लुक मेनी इट मेनी प्रोस्क्यूरेशन ऑफ द ऑफिशियल टू ड्राइव होम होम इसके बारे में बोला इधर द डिस्ट्रिक्शन बिटवीन द मनी एंड पब्लिक मनी ये बोला है सी और ई होना चाहिए सी और ई ये रहा द स्पैश द स्पेनिश इन्वेंशन ऑफ द मेसोमेनिया लीडिंग द कोलेप्स ऑफ द एज एज इम्पा अम्पायर वर्ड हैव बीन द इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इसके अंदर क्या बोले हुआ है इसके अंदर द अमेरिका भी बोले हुए इसके अंदर अ अस्पेनिश बोले हुआ है इसके अंदर पॉपुलेशन के बारे में बोला है तो प्राइम इंद्रो ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डिस फोर्स लेबर स्लेवरी स्लेवरी के बारे में ब्रिटिश 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 तो नहीं है पिछले में था ब्रिटिश इसमें नहीं है विद द एक्सटेंशन ऑफ द ब्राज़ील ब्रिटिश ब्राज़ील ब्रिटिश के बारे में कोई बोला ही नहीं इसके अंदर वेयर इज अ नॉट प्रोवाइड ऑफ द वेरियस ग्रुप्स ऑफ द नेटिव एलियड ऑफ द सेट ऑपोजिटि यूज ऑफ़ द ऑर्डर ऑर्डर एफ एफ है यफ ए है ये बोला है अमेरिका इकोनॉमिक इंटरव्यू अपने क्वेश्चन कितने हैं और वाह बहुत कम है अपने बहुत कम तो अपन पहले ये कर लेते हैं इसके अंदर का जो अपन ने एंटम सिनॉक्स देखे थे क्वेश क्वेश का काश क्वेश 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 ये रहा सम हिस्टोरिकल क्लेम ऑफ द स्टेलिन मो ऑ द डोन टू द क्वेश यानी यूक्रेन क्वेश के बारे में बोला है इसके अंदर क्वेश 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 के मतलब सरप्रेस करना है इसको क्लोजेस होना ना क्वेश्च मतलब सरप्रेस इंप्रेस नहीं तो सर करना है कुछ ना कुछ उसके अंदर सरप्रेस करना है बराबर होगा। और डिवर्ज डिवर्ज मतलब तोड़ना है मतलब उसको मिलाना पड़ेगा कुछ ना कुछ मैच करना पड़ेगा हाँ मैच है ना डायरेक्ट ऑप्शन दिया मैच ये हुआ ट्वेस्ट इंग्लिश हो गया अपन मैच सॉल्व करते हैं मैं पेज देता हूँ एक स्टार्ट तेवीस क्वेश्चन है अपने इंग्लिश के और ये पहला क्वेश्चन रहा अपना सामने डी आई डी आई नंबर ऑफ द रोबर्स शूज नंबर ऑफ द ले एकदम ईजी है ये डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ मैं और गैप का कितने का है एक दो तीन चार पाँच पाँच और ये रहा पैंतालीस नौ का गैप है नौ का गैप है तो पहला रहा नौ्वद दूसरा रहा नए नौ दिन नौती सत्ताईस सत्ताईस और पैंतालीस बहत्तर तीसरा रहा नव्यानवे चौथा रहा पैंतालीस पाँचवा रहा नैगनो नौ एक सौ आठ और लेदर देखते हैं चौपन ये नौ माइनस का इक्यासी ये बहत्तर ये अठारह दो मतलब एक सौ आठ और ये तिरसठ तिरसठ हाँ चलो अभी इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं द नंबर ऑफ द रोबर्स ऑफ द ए, ए और सी ए और सी के मिला के रोबर्स बोला है ना इसने अंदर रोबर्ट्स ए और सी के कितने नौ्वद एट वन एट नाइन और इसके अंदर बोला है सी और डी के टुगेदर सी और डी के टुगेदर तो ये इसको इक्कीस के पट में आना चाहिए और ये भाग देंगे तो बीस इक्कीस बीस इक्कीस बीस इक्कीस बीस ये रहा बत्तीस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ़ द शूज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर शूज ऑफ़ द ई ई के भी कोटे हैं एक सौ आठ और तिरसठ और लेदर शूज़ भी लेदर शूज़ बी में कितने इक्कीस इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा नव्वद व्हाट इज़ द सम ऑफ द टोटल नंबर शूज ऑफ़ द डी 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 के शो टोटल शूज लेना है डी 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 पैंतालीस और एक सौ आठ और बासठ पॉइंट पाँच बासठ पॉइंट का पाँच फैक्शन क्या होता है पाँच बटे आठ आ, तो टोटल तो नंबर शूज ऑफ़ द ए ए के ए में कितने हैं टोटल नंबर शूज़ ऑफ़ द ए ए में बहत्तर ए में नव्वेद और चौपन इसके वन पॉइंट फाइव बाई एट फाइव बाई एट बोले तो आठ और ये चार ये एक सौ चौवालीस आठ एक आठ अठो आठ एक आठ अट्ठू सोलह आठ एक आठ 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 चौसठ अठारह पंच नौ ये हो गए नौद नौ ये और बच्चे दो सौ त्रे चालीस उसके वन बाई थ्री मतलब दो सौ दो सौ और ये ऊपर के त्रे दो सौ त्रेचालीस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द लेदर शूज ऑल लेदर शूज के ऑल और नंबर नम, टोटल नंबर ऑफ़ द शूज ऑफ़ द ए टोटल नंबर लेदर के करना है पाँच और चार पाँच चार और पाँच दो सात सात और आठ पंद्रह और तीन अठारह आठ लास्ट में आठ आएगा आठ और ए मतलब नौ नौ और चार नौ और चार नौ और चार आठ में से चार जाएंगे चार ऑप्शन लास्ट में चार आना है चौंतीस भी है चौबीस भी है चलो डिजिटल रूट कारते हैं अपन इसका डिजिटल इसके डिजिटल रूट आएगा चार चार और तीन सात सात और इसमें से दो माइनस गए दो दो बोले तो पाँच पाँच और चार पाँच पाँच और चार नौ पाँच और चार नौ, और चार नौ तीन और दो सात और दो नौ ये आ जाएगा पहला छीप द टोटल कॉस्ट क्या बोला है इसके अंदर मैंने तो ये पहले डाटा गाड़ा हुआ है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ़ द शॉप ऑफ द ए आठ सौ रुपये ए आठ सौ रुपये है टोटल शॉप ईच ऑफ शूज ईच लेदर शॉप पाँच रुपए लेदर शॉप के पाँच रुपए है uh, और जो बचा हुआ शूज ईच रोबर शॉज और लेदर शूज मतलब लेजर रोबर के पाँच है और लेजर के तीन आठ रुपये है तो रिस्पेक्टिव प्रॉफिट और लॉस इसको अगर पाँच से गुना करते हैं अपन नौ पा नव पाँच पंचे चार पंचे चार सौ पचास और इससे आठ पंचे चालीस चार सौ और आठ सौ चौबीस मतलब चार और ये जाएँगे सात आठ सौ चौहत्तर तो प्रॉफिट कितना होगा उसको बयासी रुपये यच कंप्लीट कैन कंप्लीट ऑफ द टाइम बहुत तो जा रहा है मेरा दोस्तों में आप आ, इसके तरफ जाता हूँ सोपे पाठ की तरफ इस सात नंबर छः नंबर थोड़ा हार्ड लग रहा है सात नंबर चलो ये सॉल्व ही कर देते आप सात नंबर क्या बोला इसके अंदर इसने ए को इन्वेस्ट करता है तीन पैंतीस तेरह पैंतीस बी इक्कीस और पाँच सी ज्वाइनेट आफ्टर सिक्स मंथ मतलब सिक्स महीने के बाद आता है स्टार्टिंग विथ अ सर्टेन नंबर मतलब एक्स लेता है कुछ ना कुछ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द एंड ऑफ द टू ईयर टू ईयर बोले तो ये चौबीस ये चौबीस और ये जो बचा हुआ है ये छः गया चौबीस में से छ अठारह तो चौसठ पचास आउट ऑफ द ए शेयर ऑफ द सोलह सौ सो बीस और जो बी और सी है ना उसमें के जो सोलह सौ बीस है बोले तो इसको चौबीस से करते सैंती अठारह साठ तीन से इसको भाग दे नहीं जा सकता पाँच से भाग दे सकते पाँच दूनी पाँच दूनी दस पाँच सात बस्तीस सत्तीस चौक चार इसके चार पट ये तो इसके चार पट ये आ जाएगा और डिजिटल रूट के चार पट ये आ जाएगा तो डिजिटल रूट आना चाहिए अपना और आना चाहिए। पाँच और दो सात डिजिटल रूट सात आना चाहिए सात डिजिटल रूट सात पाँच और दो सात ये डिजिटल रूट सात एक ही में सिर्फ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्कल अंड रेडियस चौदह इसकी एरिया चौदह का डायरेक्ट मतलब ये तो पार्टी चुका छः सौ सोलह होता है एरिया चौदह दिया रेडियस मतलब सोलह इसका आ, ये होता है एरिया एंड द स्क्र पेरीमीटर छियानवे तो इसका चार से भाग देंगे इसको चार एक चार चार दो चार चार सोलह चौबीस चौबीस का स्क्वेयर कितना होता है पाँच सौ छिहत्तर पाँच सौ छिहत्तर छः सौ सोलह में तो पाँच सौ छिहत्तर गए तो ऑप्शन आया चाहिए अपने ज़ीरो जीरो और ये चार चालीस आना चाहिए एकदम इजी। अ सर्टेन इन्वेस्ट ऑफ़ द थ्री इयर्स स्कीम ऑफ द ट्वेंटी परसेंट पर एनम एनुअली अनाउंस ऑफ द बारह हज़ार नौ सौ सात फाइन द इंटरेस्ट ईयर थ्री इयर्स स्कीम इंटरेस्ट आर रेट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट से अगर ये इन्वेस्ट करता है तो एनुअली जान दो ये बहुत हार्ड लग रहा है मेरे को ईच शर्ट ऑफ द चार सौ रुपये अबव इट इज अ कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस से चार सौ रुपये अबउ होता है हाँ देन एंड द सोल्ड ऑफ द डिस्काउंट फाइव परसेंट डिस्काउंट फाइव परसेंट डिस्काउंट देता है एंड सेलिंग सेवन शर्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द इक्कीस हज़ार दो सौ कॉस्ट प्राइज ऑफ द टू शर्ट नहीं हार्ड है तो हाँ ये सोपाई ये रेशो का है ना रेशो और एज का है ना पी और क्यू का प्रेजेंट एज क्या है पी और क्यू का चार इज टू थ्री और रिस्पेक्टिव रेशो सिक्स इयर्स एगो नाउ द तो आर आर की सिक्स ईयर नागो प्लस सिक्स करना पड़ेंगे इसके अंदर एंड ट्विस्स ऑफ द ओल्ड ऑफ द क्यू क्यू की कितने तीन सिक्स एक्स प्लस सिक्स ये सिक्स ईयर और सिक्स मिलाना पड़ेंगे इसके तो आपकी प्रेजेंट एज हो जाएगा जा। फाइव ईयर्स तो फर्दर द सम ऑफ द पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर की फर्दर एज पी क्यू आर चौहत्तर हो जाएगा सम इसमें से सिक्स और तीन का माइनस करेंगे सिक्स इसके अंदर से माइनस करेंगे या आ जाएंगे एट्टी सिक्स एटी सिक्स और इसमें से एट सिक्सटी एट इसमें से भाग दिए इसको क्या जाएगा चार क्यू निकल गया और इसमें सिक्स प्लस करेंगे तो यह जाएगा अठारह अठारह और प्लस छः चौबीस द तो प्रेजेंट एज ऑफ द आर चौबीस बराबर है कार कार एक्स क्रैन को सीधा पाँच सौ पैंतालीस मीटर लॉन्ग ब्रिज नहीं हाड़े, और कॉन्टिन ये बहुत टाइम जा रहा है मेरा हाँ ये आगे ये अपने पसंदीदा ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं चलो इसको देखते आप पाँच पाँच से अठारह पाँच से अठारह अठारह चौपन्न नहीं अठारह अठारह छत्तीस अठारह एक अठारह दून छत्तीस डायरेक्ट डायरेक्ट डिफरेंस तो दिख रहा है नज़दीक नजदीक है ना डिफरेंस दिख रहा है मेरे को पाँच बोले तो ये तेरह दूसरा आ जाएगा आठ दो चार छः और ये तेईस बारह तेईस छब्बीस अस्सी बोले तो तीस और ये छः अस्सी छस छत्तीस तेरह एक तेरह दोन छब्बीस यहाँ पर तेरह तीन एक चालीस आना चाहिए था क्या देखते आगे बुन ये नहीं है और यहाँ पे आ जाएंगा पैंसठ हाँ तेरह एक तेरह तेरह दून सौ वी तेरह तीक एक चालीस तेरह चौक बावन तेरह तेर पंच पैंसठ मतलब दूसरा तीसरा गलत तेरह तरीक तेर एक उन्चालीस होना चाहिए एक दो एक दो गैप छोड़ के अस्सी गलत है यहाँ पे बार चौक अट्ठे चालीस बार चोक अट्ठे चालीस अट्ठे चालीस गुनीला अट्ठे चालीस गुनीला ये कितना है बार दूनी बार धूनी चौबीस हाँ सौ एक सौ सैन बारह हाँ ये दो पट इसके ये दो पट है तो ये पाँच सौ लास्ट का दो दु, दोपट है और पहला चार पट है चार मतलब ये तीन पट और अड़ोसठ तीन पट तो ये पाँच सौ ही गलत लग रहा मेरे को इसके अंदर तो चार सौ अट्ठे चालीस गुनेला तीन चार त्री बारह आठ त्रीवी चौबीस और ये हाँ तीन पॉइंट फाइव परसेंट है दोस्तों ये दूसरा है ना तो उसके बाद में तीन पट होना चाहिए इसका ये ये चार पट होगा ये तीन पॉइंट फाइव पट हो गया तो ये तीन पट होना चाहिए इसके पाँच सौ गलत है चार 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 सात दूनी चौदह सात एक सात सात दून चौदह सात दूनी चौदह नहीं गुनीला एक प्लस तीन गुनीला दो सात दूनी चौदह प्लस तीन कितने आ जाएंगे चौदह तीन सत्रह सत्रह तरी इक्यावन प्लस तीन हाँ चौदह गलत इसमें चौदह तिरसठ 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 बहत्तर बहत्तर सत्तासी एक सौ नौ एक सौ नौ एक सौ और एक सौ इसका डिफरेंस आ जाएगा सात और दो नौ आ, इसका डिफरेंस आ जाएगा आठ और सात पंद्रह इसका डिफरेंस आ जाएगा तेरह और नौ इक्कीस तेरह और नौ बाईस इसका डिफरेंस आ जाएगा ये कुछ भी नहीं जम रहा नौ भी नहीं पंद्रह भी नहीं बाईस भी नहीं इसको स्किप कर दे ये नहीं समझ में आ रहा कुछ ग्यारह ग्यारह का डिफरेंस है, यहाँ पे आएगा नौ का डिफरेंस यहाँ पे आया अठारह का डिफरेंस नौ अठारह नौ तरीक सत्ताईस आने चाहिए आगे नौ चौक छत्तीस आगे चाहिए छत्तीस है नौ तरीक सत्ताईस नौ तरीक सत्ताईस आने छत्तीस नहीं आ रहा है सदो सत्ताईस नए नए यहाँ पे नौ आ रहा है यहाँ पे अठारह आ रहा है यहाँ पे सत्ताईस नहीं आ रहा यहाँ पे सत्ताईस के बाद में छत्तीस भी नहीं आ रहा पर यहाँ पे पैंतालीस आ रहा है मतलब बासठ में गलती है बासठ छत्तीस छत्तीस गुनीला छः सौ गुनिलात्तर छब्बीस इसके एक सौ चार गुनीला छब्बीस का डायरेक्ट स्क्वेयर है छत्तीस छत्तीस का चार गुना है ये तीन गुनीला ये तीन त्रिक नौ नौ तीन तीन नौ 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 नौ, नौ. तेरह तेरह डायरेक्ट इसको तीन पट करते हैं मतलब सांत्रिक अठारह और बारह अठारह और बारह तीस भागीला थर्टी नाइन इंटू पैंसठ पैंसठ से भाग देते हैं इसको दिया जाएगा तो बीस लिया जाएगा साठ और ये पंद्रह साठ और तो पंद्रह पचहत्तर पच्चीस पच्चीस में से वहाँ बरबर पचहत्तर बरबर सत्रह सत्रह और चौबीस प्लस दस सोलह हजार का स्क्वेयर चार का स्क्र सोलह उन्नीस से नवाट बहत्तर आठ टाइम जाएगा आठ और सोलह आठ और सोलह चौबीस चौबीस गुनीला इसको डिवाइडेड बाई करते हैं इसमें से बीस माइनस करके चौबीस का एल सी एम अट्ठे चालीस सत्रह तीन इसमें से दो और ये दो चार पैंतालीस त्रिक एक सौ पैंतीस अठहत्तर बोले तो आठ उनचालीस एक उन्चालीस गुनीला नौ और ये चार तीन और तीन छः और एक सात एक सौ चौहत्तर उन्तीस गुनेला कितना आ जाएगा उनतीस गुनीला ये आ जाएगा सिक्स उनतीस सिक्स उनतीस सिक्स आ जाएगा छत्तीस बार एक बार एक सौ बीस बार शखम अट्ठे चालीस छाप्लस अट्ठावन आठ और आठ सोलह चार और दो छः दो छः छः बारह बारह दो एक सौ दो सौ सोलह गुनीला कितने मतलब तीन सौ छत्तीस तीन सौ छत्तीस के दस पट एक सौ छत्तीस एक दस पट आ जाएंगे दस और इसके ये आ जाएंगे एक हज़ार एक हज़ार में से दो सौ माइनस करेंगे तो कितने गुनीला करेंगे गुनीला करने के बाद ये आ जाएंगे गुनीला चार दो सौ पचास गुनीला चार बोले तो एक हज़ार साइन दून बारह साइन दूनी बारह गुनीला कितने बरत तो का स्क्ोयर तीन सौ चौबीस प्लस छः तीन सौ तीस बोले तो पंद्रह पट हो जाएंगे ये बारह पंच साठ आठ आठ चौसठ मतलब एक सौ चौबीस एक सौ चौबीस भाग एक सौ चौबीस भागीला दो बासठ पच्चीस का स्क्यर मतलब बारह गुनीला बारह ए वन फोर चार तीन बारह बारह छत्तीस और छत्तीस बहत्तर गुनीला पाँच एक सौ अस्सी भागीला चार एक सौ अस्सी भागीला चार आ जाएगा एक सौ अस्सी भागीला चार के दो पच्चीस का डबल करते है बारह गुनीला बारह इन छत्तीस बार त्रिक छत्तीस नहीं वन पो चार त्रिक बारह बारह तीन छत्तीस छत्तीस बहत्तर बहत्तर का गुनीला पाँच बहत्तर गुनीला पाँच तीन सौ साठ तीन सौ साठ भागीला चार छत्तीस नौ आता है ना यार तेवीस चौ तेवीस तेवीस छह चालीस छह बयानो प्लस एक सौ आठ तीन सौ ध्वागिला तीन दस दस गुनीला चार चालीस बरबर एक सौ बहत्तर एक सौ बहत्तर के एक सौ दो सौ छः तीन सौ तीन सौ चार सौ चार सौ पचास एक सौ अस्सी और इसमें से माइनस नहीं माइनस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो ये सेवन सिक्स सेवन सिक्स सेवन सिक्स इक्कीस सात तरीक इक्कीस इसके त्रिपट नौ नौ और बारह इक्कीस इक्कीस में से मतलब एक तैंतीस तीन सौ अट्ठावन के है जाएँगा ये अट्ठावन के पाँच ये आ जाएगा पट सहा नम नौ का क्यूब सात सौ इकोतीस प्लस इक्कीस सात सौ पचास सात सौ पचास भागीला छः तीन दूनी सा तीन बज पंद्री तीन दूनी साज पंद्रह सौ पचास प्लस अस्सी यह आ जाएगा पैतालीस तीन, 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 तीन मिनट बचे अपने पास पर अब बैठाना चाहिए कैसे कैसे ले चलो अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यही बैठाना पड़ेगा अपने को देर ऑफ़ द थ्री हॉटेल ए बी सी इच ऑफ द होटल थ्री कैंड ऑफ द वर्कर्स चीफ चीफ है उसके बाद में सर्वर है और क्लीनर है चीफ सर्वर और क्लीनर चीफ सर्वर और क्लीनर एक एक बी सी ए बी सी बी होटल में तीन सौ सो सोलह सर्वर है बी होटल में तीन सौ सो सोलह सर्वर है हाँ हो गया द एवरेज नंबर ऑफ द चीफ्स चीफ्स होटल थ्री द एवरेज नंबर ऑफ द चिप्स इन द थ्री होटल तीन सौ पचास तीन सौ पचास गुनीला तीन तीन त्रिक नौ एक सौ पाँच एक सौ पाँच चिप एक सौ पाँच मतलब एक हज़ार पचास होटल सी चार सौ चार सर्वर एक चार सौ चार सरोवर है द नंबर ऑफ़ द क्लीनर होटल ए एंड बी तीन छः सौ चालीस क्लीनर छः सौ चालीस ए और बी क्लीनर एक छः सौ चालीस हो गया होटल सी बारह लेज दे क्लीनर ए इससे बारह लेज दे मतलब यहाँ पे क्लीनर सी इज अ होटल सी एज अ क्लीनर बारह लेज ए क्लीनर ए क्लीनर ए बारह लेज सी इससे बारह एक्स यहाँ पे एक्स माइनस बारह द सम ऑफ द नंबर चीप ऑफ द सर्वर होटल ऑफ द ए द नंबर चीप और सर्वर ए चीप और सर्वर यहाँ पे आ जाएगा तीन सौ साठ तो ये दोनों के आंसर निकल सकते हैं अभी पर इस पर होल्ड पे रखते हैं द नंबर ऑफ द होटल बी सेम नंबर ऑफ़ द सर्वर होटल है द चिप जो है ना बी का तो सर्वर और चिप बी का सर्वर ए सर्वर ए यहाँ पे आएगा और बी का चिप बी का चिप ये सेम है वाई वाई सी इज टोटल टोटल होटल सी हैज़ एक हज़ार बेचालीस वर्गर होटल सी भर भाई एक हज़ार बेचालीस तो ये इससे सभी निकल जाएंगे आप टोटल द नंबर ऑफ द चीप ए चीप ए आ जाएगा एक सौ पचास परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ़ द क्लीनर ए क्लीनर बी क्लीनर बी हाँ ये आ जाएगा वाई एक सौ पचास परसेंट मतलब ये आ जाएगा दस तो ये आ जाएगा पंद्रह पंद्रह वाई प्लस इसके आ जाएंगे तीन सौ चार तीन सौ सोलह इसमें से माइनस करेंगे छः सौ चालीस इसमें से ये माइनस करेंगे ये आ जाएगा तीन सौ अट्ठे चालीस इसमें से माइनस करेंगे तीन सौ अट्ठे चालीस आ जाएगा तीन सौ अट्ठे चालीस ये आ जाएगा तो ये वाई दस लिए अपने दस तो दो सौ अस्सी आ जाएगा दो सौ अस्सी अगर ये लिए तो ये पंद्रह है तो दस मतलब दो सौ अट्ठे चालीस पंद्रह मुझे चार सौ बीस चार सौ बीस ये आ जाएगा तो तीन सौ चालीस ये आ जाएगा तीन सौ चालीस ये आ जाएगा तीन सौ साठ तीन सौ साठ बचे भाई तीन सौ साठ और दो सौ नब्बे चीफ आ जाएगा सीख सभी निकल गया दोस्तों आप फटाफट फटा क्वेश्चन सोल्व करते इसके व्हाट इज द रेशो नंबर ऑफ़ द सर्वर ए होटल ए सर्वर ए सर्वर ए तीन सौ चालीस और नंबर ऑफ़ द चीफ होटल ऑफ़ द तीन सौ चालीस सत्रह के पट्ट में हो जाए पास में ए की ऑप्शन है सी सी बी सम ऑफ द क्लीनर ऑफ द बी और सी बी और सी का क्लीनर हो जाएगा छ सौ छः सौ अट्ठावीस और तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द होटल होटल चार सौ चार सौ तीन सौ सात सौ सात सौ और ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा ग्यारह सौ ग्यारह सौ एक सौ बीस ग्यारह दस एक सौ बीस ये व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ़ द क्लीनर होटल ए क्लीनर ए और नंबर ऑफ द चीफ होटल सी चीफ होटल इसके बीच में डिफरेंस है न, सत्तर का तो ईच नंबर ऑफ द होता कि नहीं सॉल्व ये पाँच दो और तीन इसके बीच में एक हॉर्स लेता है तो होटल नंबर ए में कितने हॉर्स होंगे पाँच और गुनीला तीन दो गुनीला तीन ये नहीं तो दोस्तों सॉल्व मेरा लास्ट वाला अब आ गया रीजनिंग चलो मैं पेज दूसरा पलट लेता हूँ गो टू नेक्स्ट इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी सच सिंबल सिंबल लेना है और इमीडिएट फॉलोड बाय द नंबर उसके फॉलोड बाय नंबर होना चाहिए और प्रेसिडेड बाय द सिंबल होना चाहिए सिंबल सिंबल नंबर सिंबल सिंबल नंबर सिंबल सिंबल नंबर एक दो ये रहा तीन और ये रहा चार 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 रहा देयर आर द टेन बॉक्सेस ऑफ द ये सोपाई काउट द नंबर ऑफ द नंबर है ये दो मतलब दस ही बॉक्स दे हुए हैं और, और कोई वराइबल नहीं इसलिए फटाफट बताता हूं मैं hmm. क्या बोला है ई ईनि सी इज अवन नंबर ई और ई e और सी इवन नंबर पे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस ई e और सी इवन नंबर पे है ए e और सी अभी होल्ड लगता है ए e और सी इवन नंबर पे, टू बॉक्स बिटवीन जी और यच टू बॉक्स बिटवीन जी और यच यच इज नॉट प्राइम नंबर यच प्राइम नंबर नहीं है बी इज़ अ फोर प्लेस अबाउ ए ए के ऊपर फोर ए दो तीन तीन इसके बीच में होंगे फिर और ई इज़ अ केप्ड अबाउ आई आई के ऊपर ई e है सी इज अ टू प्लेस अबाव बी बी के ऊपर वन मतलब एक गैप रहेंगे बीच में और बी ऊपर आ जाएगा तो बी क्या बोला इसने बी इज अवन बी नहीं बी और ए बी सी 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 वन नंबर पे आज ये बता लेते ए अगर अपन दूसरे नंबर पे लेते जब भी सी बी इवन सी इवन नंबर पे आएगा तो ए एक दो तीन छोड़ के बी आएगा बी के बाद में सी आठवें नंबर पे आएगा और दूसरी पॉसिबिलिटी सी ऊपर लेते हैं दसवें नंबर पे फिर बाद में बी आठवें नंबर पे लेते हैं एक दो तीन छोड़ के ए लेते हैं चौथे नंबर पे बराबर बर। टू बॉक्स बिटवीन ई और डी ए अभी बैठाए नहीं ई वन नंबर पे है और जे इज अ बिलो जी जे इज अ बिलो जी जी के बीच में नीचे ई है तो ई और सी ई वन नंबर पे है ई वन नंबर अभी दस आठ नंबर खाली हो गया छः नंबर हो गया पर दस नंबर बाकी अभी आठ नंबर हो गया छः नंबर हो गया चार नंबर बाकी है दो नंबर हो गया पर ई ऊपर होना चाहिए ई यहाँ पे रहेगा तो ई और डी के बीच में दो है डी ई बी के ऊपर बोला ये देखो सी इज़ अ केप टू सी कहा बोला है यहाँ पर डी विच इज अबोव बी बी के ऊपर डी होना चाहिए तो डी ये पहला सर्टिफाई होता है तो मैं पहले से, से कंडीशन फॉलो करता हूँ ई ऊपर होना चाहिए ई और डी के बीच में दो होना चाहिए उसके बाद जे इज अ केप बिलो जी जी के बाद में जे है बट आई के ऊपर आई के ऊपर ई है आई के ऊपर ये ये होगा टू बॉक्स बिटवीन डी और ये हो गया अपना रहा कहाँ? ई और ये टू बॉक्स हाँ जी और यफ जी और यफ़ के बीच में टू पर्सन होना चाहिए जी और यफ के बीच में टू होना चाहिए और जी और जी जी जे के नीचे तो जी अगर मैं चौथे पे लेता हूँ नहीं जी के बीच में जी अगर चौथे पे लेता हाँ है जी जे और यफ सब में लास्ट में तो आई ई के बाद में यच प्राइम नंबर नहीं है मतलब पांच पे नहीं आएगा नौ पे आ जाएगा यच और जो बचा हुआ है आए, तो आए आ जाएगा ई पर तो बरबर आए आ जाएगा फाइव पर बरबर हो गया ये तो बॉक्स यच बॉक्स यच इज प्लेस अबोव जे जे के ऊपर एक, एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स बॉक्स अबोव हो जाएगा ना ये जे के ऊपर एक दो तीन चार पाँच बॉक्स अबव विच ऑफ़ द प्लेस टू प्लेस बिलो आई आई के बाद में एक और दो जे है विच ऑफ द नॉट बिटवीन ई और आई ई और आई के बीच में नहीं है यच है सी है डी है बी है और यफ नहीं है यफ नहीं है फोर ऑफ़ द फॉलिंग एनकर विच ऑफ़ द बॉक्स ईवन नंबर ए ईवन नंबर डी ऑड नंबर डी जे ऑड नंबर जे ऑड नंबर और आई आई ऑड नंबर हो गया फोर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग द ग्रुप तो ई वन नंबर हो गया ए ए वन नंबर जे जे ऑड नंबर ये क्या चल रहा है दोस्तों ये आ, हाँ हाँ ये टॉप मोस्ट है अगर बॉटम बौ, मोस्ट देता ना तो आपने इस पर सकते पर इसने बॉटम मोस्ट दिया नहीं ई दे ऑप्शन ई ई ई हाँ ये बनाए थे ओनली अ फ्यू फैक्टरी वर्कर्स नो वर्कर इज लैंड क्या है ये नो no वर्कर एक दो तीन चार ये हो गया Some, no factory shop, बर -बर। और इस ओनली फ्यू फैक्ट्री इज वर्कर नो वेयर हाउस इज वर्कर ओनली शॉप इज वर्कर इसका कंक्लूजन देखते हैं सम नो फैक्ट्री शॉप बर्बर और नो नन ऑफ द वेयर हाउस शॉप बर्बर ऑल फैक्ट्री वेयर ऑल फैक्ट्री पॉसिबिलिटी में तो कोई नहीं हो सकता इसलिए फर्स्ट और सेकंड फॉलो नो बॉक्स सेल नो बॉक्स इज सेल नो बॉक्स सेल्स ओनली सी इज यस बराबर सम सेल्स इज टेबल सम सेल्स इज टेबल तो सम टेबल इज कैन बी बॉक्स हो सकता है सम बॉक्स इज नॉट कार्टून हो सकता है ऑल टेबल कार्टून पॉसिबिलिटी नहीं पहला और दूसरा फॉलो ऑल पास्ता मैगी ऑल पास्ता मैगी ऑल पास्ता मैगी ऑल मैगी ओनली मैगो इज़ मैंगो मतलब मैगो मोमो अंदर आएगा नो नो फास्ट फूड्स इज़ मैगी नो फास्ट फूड आएगी सम पास्ता इज़ मैगी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी नहीं आएंगी नो पास्ता इज़ फूड बरबर आएगा नो मोमो इज़ फास्ट बरबर आएगा सेकंड और थर्ड फॉलो अब ये बनाते हैं ये क्या है ऑफ द जे के बोर्न ऑफ द डिफरेंट डेज ऑफ द फोर डिफरेंट मंथ दिफरेंट मार्च अप्रैल जून ऑफ द द द सेम सेम ऑफ 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 नेसेसरी ईच द पर्सन लाइफ ऑफ द डिफरेंट ओपो ओन है ये सोपा है चलो बनाते इसको है पर छोटा है एट है ना ये जब मार्च में है ना ये मार्च तो इसके अंदर मंथ एक दो तीन चार चार मंथ है और उसके बीच में दो दो मंथ है एक दो दो डेट है।, है मार्च अप्रैल जून अगस्त, मार्च इकतीस मंथ अप्रैल तीस मंथ जून तीस मंथ अगस्त इकतीस मंथ और डेट है सात इक्कीस सात इक्कीस सात इक्कीस सात इक्कीस मैं दो पॉसिबिलिटी लेके बनाता हूँ क्यू इज अगस्त क्यू अगस्त में आ जाएगा क्यू अगस्त यहाँ पे क्यू अगस्त क्यू अगस्त दो पॉसिबिलिटी पहले से बना देता हूँ क्यू अगस्त में लिया अपन ने क्यू ऑगस्ट और क्यू ऑगस्ट दो पॉसिबिलिटी इक्वल नंबर ऑफ द क्यू और आफ्टर यम क्यू के ऊपर यम एक जना है और इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो यम ऊपर आ जाएगा यम इज एप्पल यम इज एप्पल यम इज एप्पल बराबर थ्री पर्सन बीच में यन अन ओ यन अन ओ के बीच में तीन पर्सन है बट बट नाइदर यन और ओ इस मार्च यन और मार्च नहीं है यन और को मार्च नहीं आ जाएगा मार्च तो पहले इस नंबर पे तो तीन पर्सन एक दो तीन यहाँ पे आ जाएगा मतलब यन और ओ में से एक यहाँ पे कोई भी यन और ओ में से यहाँ कोई भी एक और यन और ओ में से यहाँ कोई भी एक दो तीन यहाँ नहीं आ सकता यहाँ पे आएंगे यन और ओ में से एक दो तीन एक दो तीन यन ओ में से तून कोई भी एक यहाँ पे चलो ये बनाते अपन यन और ओ के इज़ हु कार्बन अन इमीडिएटली बिफोर वो मतलब ये पहली कंडीशन है ना ये डायरेक्ट ये फॉलो नहीं होता ये डायरेक्ट कैंसल आउट होता है ओके पहले के है ओके पहले के है ओके पहले यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ ओके पहले के पर मैं एक पॉसिबिलिटी लेके चालू करता हूँ ओके पहले के है यन यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा यन के को कार्बन पसंद है कार्बन के ओ ओके पहले के और यन यन के को कार्बन है ए हुई इज अ कार्बन एंड इमिडिएटली बिफोर ओ द नंबर पर्सन ऑफ द नोकिया एन लावा सेम मंथ नोकिया और लावा लावा सेम मंथ नोकिया और लावा सेम मंथ नोकिया और लावा बहुत जगह है भी पर वेयर बोर्न सेम मंथ द पर्सन हु यू सैमसंग इज आफ्टर पी पी के बाद में सैमसंग है पी के बाद में सैमसंग पी के बाद में सैमसंग पी के के, के के ऊपर भी आ सकता है एन के ऊपर भी आ सकता अभी भाई जगह तो एटलीस्ट एटलीस्ट टू परसेंट के और पी हाँ आ गया मतलब दो से ज़्यादा होना चाहिए एक दो तीन मतलब यन के ऊपर पी आ जाएगा पी के बाद में सैमसंग आने को जगह है अभी यन के ऊपर पी आएगा पर पी एटलीस्ट टू परसेंट के और पी पी इज ओप्पो पी इज ओप्पो जे इज वीवो जे वीवो जे वीवो जे वीवो जे को दो जगह अभी जे वीवो जे वीवो वीवो हैज बिफोर यल येल के पहले जे है और डायरेक्ट बैठ गया और जे वीवो है जे वीवो जे वीवो हाँ वीवो बोर्न बट सेम डेट बट सेम डेट पे नहीं है मतलब ये साथ पे हाँ सेम डेट पे भी नहीं है अपना जे वीवो इज बट नॉट सेम डेट यल डज नॉट लावा यल डज नॉट लावा यल नावा नहीं है और नोकिया भी नहीं है यल नावा यल नावा भी है नहीं है और नोकिया भी नहीं है तो यन के पीछे और लगातार दो जगह होना चाहिए एक पर क्यू को क्यू को क्यू को लावानी है यहाँ पे क्या बोलाया यन और ओ को लावा नहीं ओ को लावा, लावा नहीं आ जाएगा तो क्यू को लावा आ जाएगा जो बचा नो नोकिया उसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि मतलब आस पास ही दोनों भी और यल को उसने हुआ है यल को सैमसंग इससे ऊपर वो हो जाएगा सैमसंग पी के बाद सैमसंग आना चाहिए यल यल यन यन यल और यन तो ये पी के बीच में सैमसंग सैमसंग आ जाएगा यन को और वन प्लस बचे अपना है ना वन 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 प्लस तो वन प्लस आ जाएगा यल अच्छा हो गया सॉल्विंग और बहुत टाइम लग गया इसको सॉल्व करने सोपन ही था ये ओ इज बॉर्न ओ इज बॉर्न ओ इज़ बॉर्न नोकिया वो इज अ सेवन ऑगस्ट लावा यूज लावा को क्यों यूज़ करता है अरे इक्कीस अगस्त इक्कीस अगस्त इक्कीस अगस्त द पर्सन हु इज वॉज बोर्न सेवन जून सेवन जून सेवन जून सात जून, जून, जून को क्या आता है यल यल यल, यल और वन प्लस यूज ऑफ द फोन वन प्लस है यल सेवन जून ना सेवन जून यल वन प्लस वन ऑफ द द पर्सन हु इज बॉर्न बिटवीन द वन हु इज एप्पल एप्पल और वीवो एप्पल और वीवो के बीच में टू पर्सन है विच ऑफ द पर्सन डि डेफिनेटली करक यन इज सैमसंगन इज अ सैमसंग बराबर है यर के इज अक्कीस जून के इज अक्स जून बराबर है यम इज अ सेवन मार्च सेवन मार्च को यम यम वॉज अ सेवन मार्च ऑल इज करेक्ट हाँ ये कोडिंग डी के क्वेश्चन हैं कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन क्या बोला इसने नार्कोटिक्स और नार्को और टेस्ट नार्को का कोड यहाँ पे आ जाएगा नार्को 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 का है डबल नार्को नार्को तो कहीं नहीं दिख रहा है नार्को के बाद में टेस्ट टेस्ट और नार्को टेस्ट और नार्को यहाँ रहा टेस्ट तो यहाँ रहा टेस्ट से निकल जाएगा पर नार्को कहीं नहीं रहा नार्को एंड फॉलो पोलोग्राफी पोलोग्राफी आर तो गया या नार्को और पोलोग्राफी पोलोग्राफी यहाँ आ रहा पोलोग्राफी यहाँ रहा टेस्ट टेस्ट नार्को नारको मतलब यहाँ पे आना चाहिए इसका टी जी और ए पी टी जी ए पी पर बी भी तो आ रहा है नहीं इसके अंदर बी बी भी आ रहा है मतलब ऑप्शन नंबर ई भी होना चाहिए इसका और बी भी होना चाहिए ए और लग गया लग गया ए बी और ए बी ऑप्शन नंबर ये आ रहा है बराबर बर। एक के का क्वेश्चन एक के -ए, एक यहाँ रहा एक के जो एक, एक यहाँ पर नहीं है यहाँ पर भी नहीं है एक के सिर्फ सिंगुलर है मतलब पॉलीगन गया रिजल्ट इसमें से गया, गया। कन्वीनियंस यहाँ पर नॉट 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 अच्छा सोलह नंबर सॉल्व करते हैं क्या रहे सर सर्टेन नंबर ऑफ द पर्सन सीट इन द लाइनर सर्टेन नंबर पर्सन टाइम बहुत कम रहा मेरे पास सर्टन नंबर ऑफ़ द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन ऑफ़ द यम यम के लेफ्ट में जितते हैं यम के राइट में उतते हैं द यम सीट ऑफ द सेवन फ्रॉम द लिफ्ट ऑफ द के के लिफ्ट में सेवन एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच छः सात दो पॉसिबिलिटी लेके बनाता हूँ ओनली थ्री पर्सन ब यम और के एक दो तीन एक दो तीन ओनली थ्री पर्सन इधर से भी तीन आ जाएंगे एक दो तीन इक्वल नंबर ऑफ़ द पर्सन पी और के इक्वल नंबर पी और के के बीच में जितते जाने हैं और ए के और जी के बीच में उतने जने टू परसेंट के और टू परसेंट बिटवीन के और डी के और डी के बीच में टू परसेंट है के और डी के बीच में टू परसेंट के और डी के बीच में टू परसेंट है डी सेकंड टू द राइट ऑफ द दफ के राइट में सेकंड डी है यफ इज अ फाइव रेफ्ट ऑफ द यस यस के राइट में फाइव मतलब ये एंसल आउट होती है बरबर आती है यस के राइट में फाइव एक दो तीन चार पाँच ये आ जाएगा फाइव इक्वल नंबर ऑफ द सीट बिटवीन यफ और डी यफ और डी के बीच में जितने जने हैं यस और पी के बीच में उतने जनेर्सन इसके बीच में सिर्फ एक ही पर्सन इसके बीच में आ जाएगा ये डज़ नॉट एडजस्ट हो मतलब ये भी कैंसल आउट होती है बस ये बचाए ए इज़ अडजस्ट नॉट इज़ यस नन ऑफ द लेफ्ट ऑफ द जी जी के लेफ्ट में कोई भी नहीं है ये कोऑपरेटिव है और डी कोपरेटिव है तो बचेंगे कितने हाउ मेनी पर्सन हाउ मेनी पर्सन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस इक्कीस आ रहे मेरे इक्कीस ऐसे ना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस इक्कीस आ रहे मेरे पर्सन ऑफ द यम और जी यम और जी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ आ रहे नौ के दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ बराबर वर है यम के लेफ्ट में इमीडिएट यम है यम के लेफ्ट में इमीडिएट यम है यस और ओ बिटवीन और ओ इधर से नहीं आ जाएगा एक दो तीन एक दो तीन ओ यम के बाजी में आ जाएगा ये से ओ ए से ओ एक दो तीन थर्ड राइट थर्ड राइट हाउ मेनी ऑफ द एक्सट्रीमली राइट एंड राइट एंड डी है ये फॉरवर्ड और ब्लैकवर्ड का क्वेश्चन बाद में करते हैं टीम बाविस ये बाद में करते हैं क्वेश्चन हाँ चलो आर टेम करते हैं एट पर्सन ऑफ द सर्कुलर चार मिनट बाकी आपने बटकन फास्ट कर, करते एकदम एकदम ये अलॉन्ग विदर्स ऑफ द सम ऑफ द फेस ऑफ द सेंटर एंड आउट साइड नो टू पर्सन ऑफ द नेम स्टार्टिंग फॉर द कंजिक्यूटिव अल्फाबेटिक समझो एक की बाजू में बी नहीं आएगा बी की बाजू में सी नहीं आएगा इसका मतलब ये होता है नो एडजस्ट पर्सन ऑफ द फेस सेम डायरेक्शन मतलब एक साउथ की तरफ से करता है तो एक नॉर्थ की तरफ करता है चलो ये बना देते हैं और ये सॉल्व एकदम मतलब ऐसे लाइन में करना है ऐसा राउंड बना के नहीं करना है मतलब राउंड सी जो लास्ट वाले है ना ये जुड़े हुए कंसीडर करना है और लाइन बना के करना है एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये ऊपर देख रहा है नीचे ऊपर नीचे ऊपर का और नीचे का ऊपर का नीचे मैं दो पॉसिबिलिटी बना के कर रहा हूँ यच के लेफ्ट में थर्ड जी है यच के लेफ्ट में थर्ड एक दो तीन जी एक एच के लेफ्ट में थर्ड जी है सी टुवार देंटर सी सेंटर में है पर एडजस्ट डज नॉट एफ के एडजस्ट नहीं है सी डी इज़ द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द यफ यफ से शुरुआत करना चाहिए यफ से करता हूँ मैं यफ़ के लेफ्ट में सेकंड डी है डी के एफ़ के लेफ्ट में सेकंड डी एफ के लेफ्ट में सेकंड डी है वन पर्सन बिटवीन बी और सी बी और सी के बीच में वन पर्सन है बी और सी के बीच में वन पर्सन है टू परसेंट सीट बिटवीन एच और ई एच और ई के बीच में टू परसेंट है एच और ई टू परसेंट बिटवीन एच और ई बी डज नॉट डी बी के बाजू में डी नहीं है बी के बाजू में डी नहीं है और ई सी के बाजू में यफ़ नहीं है तो यच यहाँ पे आए तो बी और सी के बीच में एक परसेंट बैठ जाएगा बी और सी यहाँ पर आ जाएंगे बी और सी यहाँ जाएंगा तो जी के बारे में क्या बोला है इसने बी यफ़ यच और ई e में है एक यच और ई e में एक जना आ जाएगा एच और ई e, एच और ई e में टू पर्सन है एच और टी एक और दो यहाँ पे नहीं आ सकता एच और टी यहाँ पे आ सकता ई e अगर यहाँ पे आ चुका है तो बी और सी में एक जने बी और सी में एक जन ले लिया अपने पहले ए और ई e, ए और ई e को एक जगह बरते ये यह बचा यहाँ एच और डी डी के बाजू में कोई नहीं है डी और यफ डी और यी और यफ डी एफ एक पर्सन आ जाएगा तो जब बचा हुआ यहाँ आ जाएगा चलो इसको साफ करते हैं पर्सन बिटवीन सी और डी सी और डी टू पर्सन है वे इन लेफ्ट ऑफ द सी सी के लेफ्ट में एक और दो दो पर्सन है एडजस्ट ए के बाजू में कौन है डी और ई e, डी और ई e, डी और ई इज एंटी क्लॉक वाइज ऑफ के और कौन मैंने तो सीधा सीधा बताया क्लॉज ऑफ द पोजिशन रे मीन ए और बी ए अंदर इन ए एंटी क्लॉक वाइज ना क्लॉक वाइज द एंड ए बी सी डी ई एफ सी और एफ एफ आर आई सी सी और 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 ए बी बराबर है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस ऑफ द टेबल इन साइड छब्बीस ए ए इन साइड फेस आउट साइड देखने है अपने को सी बी इन साइड देख रहा है बी 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 इन साइड देख रहा है एच एच बी इन साइड देख रहा है और डी डी आउट के साइड दिख रहा है ये नहीं डी इज अ सेकंड टू द डैश इज अ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द डी के राइट में फोर्थ डी के राइट में फोर्थ एक दो तीन चार और इसके लेफ्ट में सेकंड, उसके लेफ्ट में सेकंड यफ है सेवन परसेंट सीट बिटवीन पी क्यू आर यस टी है डिफरेंट वेट और नहीं होगा सॉली ये अट्ठावी तीस एट ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता, सकता, सकता चौंतीस हाँ ये हो सकता है यफ 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 आ सकता है ये यफ के नाट में तीस सिर्फ पच्चीस क्वेश्चन है मेरे दोस्तों रेजनिंग के बहुत कम आटे हुए मेरे रेजनिंग के क्या आता है नाइन्टी नाइन परसेंटाइज आया है चलो ठीक ठाक ये सत्तानवे रैंक है बहत्तर स्कोर है इंग्लिश में इंग्लिश अटेम इंग्लिश में मेरे तेईस क्वेश्चन अटेम में दोस्तों और एक गलत है नंबर एबिलिटी नंबर एबिलिटी में मेरे अट्ठाईस क्वेश्चन अटेम हैं और दो गलत हैं जिसमें मेरी एक्यूरेसी मार्क आ गई रीजनिंग में पच्चीस मैंने अटेम किए और पच्चीस मार्क है और, और यही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यही मेरे को पच्चीस मार्क के मेरे को छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस तक मार्क दे सकता है मतलब दो तीन मार्क सब बोनस आराम से देंगे ये अपने को एक्यूरेसी अच्छे रखना है दोस्तों यस बी आई क्लर्क रहो एस बी आई पी ओर हो येस yes, कोई भी क्वेश्चन कोई भी बैंक की एग्जाम हो पर अपने को एकूरेसी रखना है आप क्योंकि अभी एक्यूरेसी का फंडा बहुत बढ़ गया है इसलिए एक्यूरेसी अपने को रखना बहुत मेंटेन है और आप बताइए कैसे आपने को ये वीडियो लगा मेरी अप्रोच आपका सॉल्व आप भी एक टेस्ट को लगा के देखिए कैसा है कैसा नहीं और चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करें थैंक यू दोस्तों